मध्य प्रदेश के खाद्य एवं रीवा जिले के प्रभारी मंत्री बिसाहूलाल सिंह आज एक दिवसीय दौरे पर रीवा पहुंचे, जहां कलेक्टर कार्यालय में जिले के विधायकों एवं प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की। बताया गया है कि आगामी 7 अगस्त को प्रदेश भर में अन्न महोत्सव मनाया जाएगा। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे। अन्न महोत्सव की तैयारियों को लेकर यह बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस बैठक में पूर्व मंत्री और रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला, रीवा कलेक्टर इलैया राजा टी समेत जिले के कई विधायक एवं प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। मीडिया कर्मियों को जानकारी देते हुए प्रभारी मंत्री ने बताया कि गरीब एवं पात्र परिवारों को सरकार के द्वारा 5 महीने का मुफ्त अनाज दिया जाएगा, जिसमें से 2 महीने का राशन केंद्र सरकार जबकि 3 महीने का राशन राज्य सरकार के द्वारा दिया जाना तय हुआ है और इसी कार्यक्रम को अन्न महोत्सव के रूप में मनाने की तैयारी है। उन्होंने बताया कि पात्र सदस्य को 25 किलो राशन देने की तैयारी है। वहीं खाद्य वितरण प्रणाली पर भ्रष्टाचार के सवाल पर प्रभारी मंत्री ने कहा कि अभी तक किसी भी जनप्रतिनिधि के द्वारा इस तरह की कोई शिकायत नहीं की गई है। अगर यह शिकायत की जाती है तो हम उस पर कार्यवाही करेंगे। 7 तारीख को पूरे हिंदुस्तान में अन्न उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसलिए आयोजित किया जा रहा है कि 2 महीने का राशन माननीय प्रधानमंत्री जी केंद्र सरकार से देंगे, जो पात्र हितग्राही हैं, गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं, और 3 महीने का राशन मध्य प्रदेश सरकार दे रही है। तो ये अगर कोई भूखा परिवार है जिसको खाना नहीं मिला, एकाएक पूरी सब्जी बढ़िया मिलने लगे तो अन्न उत्सव कहते चलो भाई उत्सव मनाओ, त्योहारों में नहीं होता है। तो इसी तरह से एक त्यौहार के रूप में इसको मनाया जा रहा है। गरीब परिवार को 5 महीने का राशन मिलेगा, एक को 10 हैं तो 2.5 क्विंटल हो जाएगा, तो अन्न उत्सव है। तो ये कार्यक्रम पूरे प्रदेश में हो रहा है, हमारे यहाँ भी रीवा ज़िले में एक कार्यक्रम 7 को आयोजित किया जाएगा और माननीय प्रधानमंत्री जी सब लोगों से पूछेंगे भी कि क्या हुआ इसमें, ये सब जानकारी हो रही है। खाद्य वितरण में लगातार लापरवाहियाँ की जा रही हैं, तो इसका क्या? अभी तक कोई जनप्रतिनिधि इस बारे में शिकायत नहीं किया है। अगर लोग शिकायत करेंगे तो कड़ी कार्रवाई करेंगे। बिजली की समस्या को लेकर यहाँ काफ़ी परेशान नहीं, बिजली के बारे में तो बात चल रही है,